हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें। आज हम बनाएंगे पिंडी छोला। उसके लिए यहाँ पर मैंने लिए 2 कटोरी काबुली चना, जो कि मैंने ओवरनाइट भिगो दिए थे। तो छोला डाल दिया मैंने प्रेशर कुकर में। अब इसमें हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे। ये है तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 2 लौंग और ये 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ चाय पत्ती ली है, जो कि एक कपड़े में बांध के इसकी एक पोटली बना लिया। इसको डालेंगे इसके अंदर। आधा टेबलस्पून नमक। अब हमने ये सब खड़े मसाले इसमें डाल दिए। अब डालेंगे इसमें हम पानी 1 गिलास, 1 गिलास और नमक हमने इसलिए डाला है इसमें ताकि बनते टाइम इसमें छोले के अंदर अच्छे से चला जाए। छोला रख दिया हमने गैस पे पकने के लिए। तो अब इसमें हम 6 से 7 विसल के आने का वेट करेंगे और अगर हमारा छोला थोड़ा कच्चा रह जाता है तो 1-2 विसल और लगवा लेंगे। आज हम बना रहे हैं पिंडी छोला, तो उसके साथ बनाएंगे हम भटूरा। तो आइए चलिए करते हैं स्टार्ट। बनाएंगे हम भटूरे का आटा। आटा बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है मैदा, जो कि 1.5 कटोरी लिया है मैंने यहाँ पर मैदा, 1/2 कटोरी सूजी और अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा घी, 1 टेबलस्पून नमक, 1 स्पून बेकिंग सोडा और इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। देखिए हो गया अच्छे से मिक्स और अपने आटे को बनाएंगे अब हम दही से। तो अब इसमें डालेंगे हम दही और इसको अच्छे से अपने हाथ से ऐसे अच्छे से आटे को गूंदना शुरू करते हैं। तो ऐसे ही इसको हम अच्छे से गूंद लेंगे और अगर और दही की जरूरत है तो और दही डालेंगे इसमें हम। आटे को हमने गूंद के निकाल लिया दूसरे बर्तन में और इसको अब हम 30 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। हमारे छोले तो हो चुके हैं अच्छे से बॉईल और जो हमने इसमें अपने खड़े मसाले डाले थे उनकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम छोले के लिए बनाएंगे अच्छा सा तड़का। गैस पे रख लिया है अपना पैन और अब हम इसमें डालेंगे घी। अगर आप किसी रिफाइंड में बनाना चाहते हैं तो आप रिफाइंड में बना लीजिए, जो भी आप किचन में यूज करते हैं। घी हमारा हो गया अच्छे से गर्म। अब इसमें डालेंगे हम 1 टेबलस्पून जीरा और थोड़ा इसको पकाएंगे। जीरा पकने लगा है इसमें डालेंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज, प्याज में अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हम इसको पकाएंगे और गैस का फ्लेम रखेंगे फुल। प्याज हमारे देखिए अच्छे से गोल्डन कलर के हो गए हैं, हमने गैस का फ्लेम कर दिया है। अब इसमें डालेंगे हम 1 टेबलस्पून गरम मसाला, एक टेबल स्पून धनिया,
मिर्ची पाउडर, हाफ स्पून अमचूर पाउडर, और अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। इनको अब हम 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पे ही रखेंगे। देखिए मसालों ने अच्छे से छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर का पेस्ट। यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज के टमाटर लिए और इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून नमक। और इसको पकाएंगे अब हम 4 से 5 मिनट तक और गैस का फ्लेम रखते हैं हम इसमें। तड़का हो गया हमारा परफेक्टली रेडी। तो अब हम करेंगे गैस का फ्लेम को, तड़का डालेंगे अब हम अपने छोले के अंदर। अच्छे से करेंगे इसको मिक्स। तड़का हमारा हो गया अच्छे से मिक्स छोले के अंदर। और ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है। अब हम बनाएंगे अपने छोले का फाइनल तड़का। पैन में डाला हमने यहाँ पर थोड़ा सा घी। अब हम डालेंगे इसमें जीरा, थोड़ी हींग, थोड़ा लहसुन और इसको अच्छे से पका लेंगे। गैस का फ्लेम रखेंगे हम धीरे। अच्छे से इसको पकाएंगे। अब हमारा पिंडी छोला है बनकर रेडी। आटे को रखे हुए 30 मिनट हो गए हैं पूरे और ये देखिए आटा हमारा बनकर कितने अच्छे से हो गया है तैयार, एकदम फूलकर ऊपर आ गया है। कोविड के समय में मार्केट जैसे छोले भटूरे घर पर ही बनाकर खाएं। स्टे होम स्टे सेफ।